फ्रेंड्स, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम जब भी कोई मोबाइल लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, वो ओल्ड मोबाइल हो कोई न्यू मोबाइल हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हम उसे चेक कैसे करें कि वो प्रॉपर चल रहा है नहीं। आज मैं आपके लिए एंड्रॉयड के कुछ ऐसे सीक्रेट कोड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप बोलोगे ओह माय गॉड, वाओ। वैसे काफ़ी सारे सीक्रेट कोड्स एंड्रॉयड में आते हैं, मैं आपको बताते बताते थक जाऊँगा और आप उसे टेस्ट करते करते थक जाओगे। इसलिए मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड सीक्रेट कोड्स लेकर आया हूँ, जिसको यूज़ करने के बाद अपने आपके पास अगर कोई ओल्ड मोबाइल है या कोई नया मोबाइल है, उसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल सही चल रहा है नहीं। मैं आज आपके लिए जिस कंपनी के सीक्रेट कोड्स के बारे में बताऊँगा, वो सभी सैमसंग यूज़र्स के लिए। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लें। मेरा नाम शक्ति, हमारे यूट्यूब चैनल टेकिंग शक्ति में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन का दबा दें, जिससे कि हमारा जो भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है और मिलती रहेगी। सैमसंग का हमारा दोस्तों जो पहला कोड है वो है *#1234#। बेसिकली दोस्तों, हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो हम मोबाइल शॉप में बोलते हैं कि हमें सैमसंग का ये मोबाइल चाहिए या नोट का ये मोबाइल चाहिए, वीवो का ये मोबाइल चाहिए। हमें उस मॉडल के बारे में पता होता है, लेकिन आपका जो रियल वर्जन है मोबाइल का, जो रियल मॉडल है, आप इस सीक्रेट कोड को यूज़ करके पता कर सकते हो कि आपका रियल सीक्रेट मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है। तो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो कि आपको यहाँ पे रियल मोबाइल का नंबर दिख जाएगा, जो आपका रियल मॉडल नंबर है। तो आप ऐसे ही सीक्रेट कोड का यूज़ करने के बाद पता कर सकते हो। हमारा जो सेकेंड सीक्रेट कोड होने वाला है सैमसंग का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपने मोबाइल के काफ़ी सारे फीचर को चेक कर पाओगे। आप जब भी कोई ओल्ड मोबाइल लेने के लिए मार्केट में जाते हो या कोई नया मोबाइल लेने के लिए, तो इस सीक्रेट कोड की मदद से आप वहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन अपने मोबाइल के चेक कर पाओगे। यहाँ पर आप अपने मोबाइल के प्रॉपर कलर चेक कर पाओगे कि आपके मोबाइल में प्रॉपर कलर आ रहे हैं कि नहीं। रेड कलर यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है। आप अपने मोबाइल के वाइब्रेशन को यहाँ से चेक कर पाओगे। यहाँ पे आपको स्पीकर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ स्पीकर आपका प्रॉपर चल रहा है नहीं वो देख पाओगे। आपके सेंसर सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं मोबाइल के, वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। यहाँ पे आप मेगा कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपका कैमरा सही काम कर रहा है तो यहाँ से आप अपने कैमरा भी देख सकते हो। यहाँ से आप बैक कैमरा का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी आप चेक कर सकते हो कि आपका फ्रंट कैमरा भी सही तरीके से काम कर रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे और काफ़ी सारे फंक्शन है, आप प्रॉपरली आराम से इसे चेक कर पाओगे। हमारा जो थर्ड नंबर और सैमसंग कोड है वो है *#06#। बेसिकली दोस्तों, ये कोई मोबाइल के IMEI नंबर को जानने के लिए है। अगर आपको कोई अपने मोबाइल का IMEI नंबर नहीं पता है, तो इस सीक्रेट कोड का यूज़ करने के बाद आप अपने मोबाइल के IMEI नंबर को जान सकते हो। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल कोई सर्विस सेंटर में जाता है, अगर आपका वहाँ पे मोबाइल कोई मदरबोर्ड आपका चेंज हो जाता है, तो आपका IMEI नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो इस कोड की मदद से आप अपने मोबाइल के IMEI नंबर को ईजिली जान सकते हो कि आपका मोबाइल का IMEI नंबर क्या है। जो फोर्थ नंबर का हमारा सैमसंग का कोड है वो दोस्तों है *#7353#। बेसिकली दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जनरल टेस्ट, जिसमें कि आप स्पीकर टेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे वाइब्रेशन चेक कर सकते हो, टच स्क्रीन चेक कर सकते हो। वैसे यहाँ पर भी आप काफ़ी सारे फंक्शन को चेक करके अपने मोबाइल को आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिफ्थ नंबर का हमारा सैमसंग का कोड है वो है *#0228#। यहाँ से आप दोस्तों अपने बैटरी की सिग्नल स्ट्रेंथ को देख सकते हो कि यहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी बैटरी कितनी आ रही है। यहाँ बैटरी के आप वोल्टेज पता कर सकते हो। यहाँ पे आप किस टाइप की आपकी जो केबल से आप कनेक्ट करके रखे हो बैटरी को, यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे पता कर सकते हो। सिक्स नंबर का कोड दोस्तों हमारा सैमसंग का है वो है *#12580*#369#। इससे दोस्तों आप अपने मोबाइल के हार्डवेयर आपका कौन सा वर्जन का है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कौन सा वर्जन का है, ये पता कर सकते हो। ये दोस्तों सभी मोबाइल इंजीनियर जो रहते हैं वो उनके लिए है, वो वहाँ पर देख के बता देते हैं कि आपका मोबाइल में कौन सा वर्जन का हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर वर्जन है, या जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं उनके लिए ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो दोस्तों, ये आप भी पता कर सकते हो यहाँ पे कि आपका मोबाइल में कौन सा हार्डवेयर है या कोई सॉफ्टवेयर आपका कौन से वर्जन का है। दोस्तों, जो सेवन्थ नंबर का हमारा जो सैमसंग का कोड है वो है *#0808#। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन हमारे इसमें दो ही का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है MTP और एक है RNDIS प्लस मॉडम। जो MTP ऑप्शन जो आपको दिख रहा है दोस्तों, वो है मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी दोस्तों हम कोई लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप से इसे कनेक्ट करेंगे USB से, तो आप कोई भी फाइल को यहाँ से रिसीव कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो कोई भी फाइल को, चाहे आपका कोई मीडिया फाइल हो या फोटो हो या कोई इमेजेस हो। और जो सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों, वो है RNDIS प्लस मॉडम।
दोस्त इससे दोस्तों आप अपने मोबाइल को एज ए मॉडम यूज़ कर सकते हो, इथरनेट यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप इजीली अपने यूएसबी कनेक्ट करके कोई भी अपने लैपटॉप या डिवाइस में, आपका डेस्कटॉप है तो वहाँ पे भी आप इसे कनेक्ट करके आप एज ए मॉडम अपने मोबाइल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये सीक्रेट कोर्स आपको कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका यूट्यूब और टैक्स रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।